दिल्ली के जैतपुर थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीती रात करीब 11 बजे अज्ञात लोगों ने कांस्टेबल को गोली मारी, जिसके बाद वह फरार हो गए। कांस्टेबल राम अवतार जैतपुर थाने के शक्ति विहार इलाके में रहते थे। परिजनों के मुताबिक राम अवतार शाम के वक्त घर से कुछ दूरी पर किसी काम से गए थे, जब उन्हें गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद कांस्टेबल राम अवतार को नजदीकी अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। 10:30 बजे पता चला कि उनको किसी अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, तो घटनास्थल पर आए तब तक उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके दो बच्चे, लड़की है 10-12 साल, लड़का 6 साल का। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस को शक है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।